चूँकि पहले ही बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने भारतीय संविधान की खूबियों, उनके गरीब महिलाओं, श्रमिकों आदि के सभी जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए और सभी के लिए बहुत ही भले भले बातें कही हैं और संविधान में रखवाई हैं। उनमें से आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इन पर ज़रा गौर करिएगा। जो भारतीय संविधान में एक समानता का एक अनुच्छेद है 14, जो कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये जो है बहुत से पुस्तकों में, बहुत से वॉल्यूम में ये व्याख्या की गई है, कमेंट्स किए गए हैं और बहुत सी बातें कही गई, मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस क्लाज में, अनुच्छेद में वो सभी चीज़ें समाहित हैं जो अनुच्छेद 15 और 16 में पिछड़े वर्ग के लिए या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। यानी इनकी अगर वहाँ न दिया जाता, अनुच्छेद 15 और 16 को न भी दिया जाता, तो भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वे सभी चीज़ें की जा सकती थी, क्योंकि वो समानता का है। ये दोनों समानता के हैं और समानता की सिर्फ स्पेसिफिकेशन करते हैं। एक बहुत से विद्वानों ने कहा है और हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी मंडल केस में ऑब्जर्व किया है कि इसकी ज़रूरत सोची गई संविधान निर्माताओं ने, और वो ये ज़रूरत क्यों सोची गई, और ये भी ऑब्जर्व किया है कि इसके बाद भी 15-16 के देने के बाद में भी इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक समानता और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर ये न होते तो आप वो अनुच्छेद 14 का जो व्याख्या है वो और भी दूर रहती और कुछ न हो पाता। आखिर वो कौन कारण है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाता? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ही अनुच्छेद 16 भी है, जो नौकरियों में आरक्षण की बात कहता है। मैं केवल छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि उस फंडामेंटल राइट को सरकार की मर्जी पर छोड़ा गया है। सरकार अगर चाहे तो देगा, अगर नहीं सरकार चाहे तो नहीं होगा। नौकरियों में आरक्षण का सिद्धांत अभी तक यही बना हुआ है। तो जब इनके पक्ष की बात है, आरक्षण की बात है, अफर्मेटिव एक्शन की बात है, तो उसको सरकार की उस पर नहीं छूटना चाहिए था। हमारा मानना है ये जो है सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। अगर उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है तो सरकार ऐसे आरक्षण करेगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बहुत से कानून बनते हैं, संवैधानिक होते हैं, संवैधानिक करार भी दिए जाते हैं, लेकिन संविधान के अनुरूप कार्य न होने के कारण वो नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब, जो अच्छी तरीके से ला की जानकारी रखते हैं और उनसे पढ़े हैं, अधिवक्ता हैं, जज हैं, वो लोग समझेंगे कि संविधान के कामा फ्री स्टाफ को बिना बदले हुए
संविधान की मूल भावना को बदल दिया जाता है, बदला जा सकता है, बदल दिया गया है और आप कुछ नहीं कर सकते। इसको जो है अंग्रेजी में उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी शब्द से इसको कहा गया है, यानी बिना परिवर्तन किए हुए वो बैठक वैसे ही धरा रहेगा, प्रैक्टिस में नहीं उसका कुछ भी होगा, प्रैक्टिस में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, म्यूटिलेट कर दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ बहुत सी विकार है हमारे, हम कुछ नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते। अब ये समझ नहीं पाते हैं, अदालतों की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, एक अदालत, दो अदालत, तीन अदालत लड़ते चले जाते और कुछ नहीं हो पाता। इसका एक स्पष्ट उदाहरण प्रमोशन में रिजर्वेशन का है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो उसके भुक्तभोगी जानते हैं। और जो है एक सज्जन ने ये कहा कि जो है हमको ये करना चाहिए, हमको बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हम जब समझेंगे तभी तो करेंगे। कोई आदमी वो जो सीधी सीधी बात है उसको हम कहते हैं, लेकिन जो गूढ़ बातें हैं उनको हम नहीं कह पाते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते। इतना उलझा हुआ होता है कि उसको समझने की बहुत मतलब मेहनत की ज़रूरत है। मैं सभी बंधुओं को साधुवाद दूंगा जिन्होंने संविधान के ऊपर अब प्रकाश डाला है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ये पुस्तक भारतीय संविधान संक्षिप्त सार, ये मुझे दो चार दिन पहले ही मेरे हाथ में आई है। एक लेखक हैं बी आर अम्बेडकर, भ्रमित मत होइएगा, ये लेखक हैं, साहित्यकार हैं, किताबें लिखते हैं, आज भी हैं, उन्होंने मुझे भेंट की है। इसमें संविधान के सभी करीब करीब सभी चीज़ों को, सभी प्राविधानों को, सभी बातों को जो आपके पढ़ने योग्य दिया हुआ है, आप इसको अवश्य पढ़िएगा। आपको और विद्यार्थियों को और उनको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें संविधान की हर चीज़ इसमें मिलेगी, हिंदी में है और इससे आप सब चीज़ समझ जाएंगे। यह भारतीय संविधान आप मतलब है कि पढ़ सकते हैं। ये जिनका नाम अभी लिया गया मिस्टर जख्मी, वो पत्रिका निकालते हैं अंबेडकर टुडे, और उनके यहाँ से छपी है, वो उनके यहाँ से ये दी गई है, तो ये लाभदायक सिद्ध होगी। इसमें कम पढ़े लिखे लोग भी समझ जाएंगे, सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।